गाइस, ये मेरा 10th वीडियो है और आज मेरा बर्थडे है, इसलिए ये वीडियो और स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस बार मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ। पार्ले जी के साथ मैं कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं करूंगा जो बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, पर उससे पहले प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके हैप्पी बर्थडे विश्वास दास लिख देना, ठीक है। तो चलिए, आज पार्ले जी के साथ हम लोग गेम खेलेंगे। आज हम पार्ले जी का टावर बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पार्ले जी का टावर पहली बार सुना होगा ना, और आज पहली बार होगा अभी। देखिए, मैं भी पार्ले जी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, बहुत सारा पार्ले जी है, खुल जा रही। देखिए इतना सारा पार्ले जी, हमें देखते हैं, अगर ये गिर गया तो मैं आज अपने बर्थडे में ही एक चैलेंज हार जाऊंगा, और आज तक मैंने कोई चैलेंज हारा तो नहीं है। दो वीडियो में आपने देखा हुआ ऑरेंज व्हाइट, उसमें भी मैं नहीं हारा हूँ। चलिए अब टावर बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हम लोग रखने वाले ऐसे इस पैटर्न में, और ऐसे हम लोग रखते जाएंगे इतने सारे, ठीक है। तो देख सकते हैं, ये करना रिस्की है, और वेल इसे ये करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो टावर बनना शुरू होगा, मेरे एक पैकेट भी खत्म नहीं हुआ, और ये टावर बहुत ज्यादा यमी लग रहा है ना। आराम से दूध में बॉर्नविटा लगा डाल के इसे खा जाना बाद में, पर पहले इस वीडियो को मैं बार बार बच रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का हार जाता। ये टावर बनाना बहुत ज्यादा दुखी कर देने वाला काम है, इसमें बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ब्रो, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, क्या मैं होगा अगर मैं आज हार जाऊंगा आप लोगों के सामने। कमेंट में यही बताना मैं चश्मा पहन के हैंडसम दिखता हूँ कि नहीं, ठीक है, ओके, जानना जरूरी है, कम से कम बर्थडे में तो आप सच बोल ही दोगे मेरे कि मैं अच्छा दिखता हूँ या नहीं। और उससे पहले हम अपने टावर पे ध्यान देंगे, टावर अभी से ही हिलना स्टार्ट हो गया है, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, अभी तक के दो पैकेट भी खत्म नहीं हुए और ये हिल रहा है, अगर ये गिरा तो क्विज मी हो जाएगा, क्या करे यार, इसे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है, ठीक है। ओ माय गॉड, सच ए डिफिकल्ट टास्क, हिलने लगा है मैच, और एक प्रॉब्लम ये है कि फैन भी लगी हुई है। देखिए इतना सारा बिस्किट, एक एक करके सारा टावर बनाने के लिए रखना पड़ेगा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं हार जाऊंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। कमेंट में ये बताना पार्ले जी अच्छा लगता है या नहीं, ये पार्ले जी स्पॉइल्ड है तो मैं इसे यूज नहीं करूंगा, नहीं तो टावर नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं 3 पैकेट खत्म हो गए, चौथे पैकेट की बारी, ठीक है, फैन के वजह से बहुत हिल रहा है, हर एक पैकेट में 13 है, भाई देख सकते हैं आप टावर बड़ा होता ही जा रहा है, और मेरा टेंशन भी बढ़ रहा है। आपका टेंशन बढ़ा क्या जब मैं ये टावर बना रहा हूँ, कमेंट में लिख देना, पसीना छूट रहा है यार, फैन में भी पसीने चढ़ रहा है, ये बिस्किट भी टूटा हुआ है तो ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। टूटे हुए बिस्किट से टावर बनाना ऐसा है जैसे ही बिना चीज के पिज्जा खाना, या फिर बिना सॉस के चाउमीन, ओह माय गॉड, टावर टूट गया। तो आप देख सकते हैं टावर नहीं बन पाया,
क्या करे, बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गया मैच में। टावर बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है और फैन के लगने के वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ तो देखिए फैन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, पर ये गिर के बहुत अच्छे स्टैच्यू हो गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सारा पार्ले जी का बेकार है, पर अब मैं इसे निगलूंगा नहीं। मैंने बहुत खाया हुआ है, सुबह से बहुत मिठाई छूट ली है बर्थडे के नाम पे। ये सारे बिस्किट मैं कल खाऊंगा एक साथ अपने दूध में डाल के आराम से निकल जाऊंगा। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इस बार मैं पहली बार हारा हूँ तो प्लीज मेरे को इस बार सपोर्ट करो। और आप मेरे को बाद में बताना कमेंट करके कि मैं अगली बार किसका वीडियो बनाऊँ। तो ठीक है गाइस, स्टे सेफ, थैंक यू।